हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे की। देखिए, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि सिंगल डायमेंशनल एरे में एरे के किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत होती थी, तो इन केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, मल्टी मल्टी डायमेंशनल एरेज आर डिफाइंड इन द सेम मैनर एज ए वन डायमेंशनल एरे, एक्सेप्ट दैट ए सेपरेट पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट इज रिक्वायर्ड फॉर ईच सबस्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर टू डायमेंशनल एरे की हम बात करें, तो टू डायमेंशनल एरे विल रिक्वायर टू पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स, थ्री डायमेंशनल विल रिक्वायर थ्री पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मल्टी डायमेंशनल एरे की हम बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए टू डायमेंशनल एरे है, तो हमें मान लीजिए हमने कहा एरे का नाम अगर ए है, तो हमें ऐसे दो स्क्वायर ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने कहा कि मान लीजिए थ्री डायमेंशनल एरे है, तो अगर थ्री डायमेंशनल एरे है तो हमें से ये एरे का नाम हो गया ए, और हमें तीन ब्रैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी तीन सबस्क्रिप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर हम एन डायमेंशनल एरे की बात करें, एन डायमेंशनल एरे की बात करें, तो एन डायमेंशनल एरे को जो हम डिफाइन करते हैं, वो हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि पहले तो जैसे हम लिखेंगे उसका जो भी स्टोरेज क्लास है वो हम लिखेंगे स्टोरेज क्लास, उसके बाद हम लिखेंगे डाटा टाइप, किस तरह का डेटा जो है एरे में हम स्टोर कर रहे हैं, डेटा टाइप हो गया, और उसके बाद आएगा हमारा एरे का नाम। तो मान लीजिए ये लिख दिया आपने एरे, और फिर एक्सप्रेशन वन एक्सप्रेशन टू इस तरह ये सबस्क्रिप्ट पे आ जाएंगे। ये हो गया मान लीजिए एक्सप्रेशन वन, फिर हमने कहा एक्सप्रेशन टू, और ऐसे ही आपका एक्सप्रेशन एन तक, अगर एन डायमेंशनल एरे है तो ये आएगा एक्सप्रेशन एन। इस तरह से हम किसी भी एन डायमेंशनल एरे को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अब एन डायमेंशनल एरे के बाद हम लोग बात करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा मान लीजिए हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है, टू डायमेंशनल एरे, तो इसमें क्या होगा कि इसको हम जैसे हमने कहा अगर हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है एम इंटू एन, मतलब ये एक तरह से टेबल हो जाएगा, इसमें एम रोज और एन कॉलम की एक टेबल हो जाएगी। मान लीजिए जैसे हमने कहा ये रोज है हमारी, ये टेबल बना दिया हमने। ठीक है, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ऐसे ही करके ये हमारे एम रोज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रो वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, ऐसे ही करते करते ये एम रोज की टेबल हो गई। और ऐसी कॉलम में जब हम बात करेंगे, तो यहाँ मान लीजिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे ही करते करते ये हमारा एनथ कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉलम वन, फिर कॉलम टू, कॉलम थ्री, अप टू एनथ कॉलम। ठीक है, तो जो टू डायमेंशनल एरे है वो एक तरह से एम इंटू एन ऑर्डर की एक टेबल हो गई। ठीक, ऐसे ही थ्री डायमेंशनल, अगर ये तो टू डायमेंशनल एरे हो गया, ऐसे ही मान लीजिए अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल एरे है, तो थ्री डायमेंशनल एरे एक तरह से जैसे टू डायमेंशनल एरे तो टेबल से रिप्रेजेंट हुई, थ्री डायमेंशनल एरे जो है, थ्री डायमेंशनल एरे ये एक तरह से क्या हो गई, ये एक तरह से हो गई सेट ऑफ टेबल्स, मतलब कई टेबल्स का सेट हो गई। मतलब जैसे हमने कहा सपोज कीजिए ये हो गया हमारा मान लीजिए एक टेबल हो गई 3 बाई 4 की, तो मान लीजिए तीन रो और चार कॉलम, ये हो गया।
फिर हमने कहा ये दूसरी टेबल हो गई, इसमें भी तीन रो और चार कॉलम इस तरह, ठीक। तो अब ये टेबल वन और टेबल टू, इसके अंदर रो वन कॉलम वन, रो टू कॉलम टू, इस तरह। तो ये तो जैसे हम लोग लिखते हैं, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ये रो हो गई। ऐसे यहां पे ये रो हो गया और इधर कॉलम हो गया, और ये टेबल नंबर सपोज कीजिए वन हो गई और ये टेबल नंबर टू हो गई। अब इसमें क्या होगा, ये थ्री डायमेंशनल कैसे है, मान लीजिए हमें सपोज कीजिए इस एलिमेंट को पॉइंट आउट अगर करना है, तो इस एलिमेंट पॉइंट आउट करने के लिए हमें टेबल नंबर टू, तो मान लीजिए हमने एरे का नाम रखा टेबल, तो हम लिखेंगे टेबल, उसके बाद हम लिखेंगे टू मतलब दूसरी टेबल में, फिर कौन से रो में जाना है तो वन टू थ्री तीसरी रो में, और फिर किस कॉलम में जाना है वन टू दूसरे कॉलम में। तो देखिए तीन सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये आपकी थ्री डायमेंशनल टेबल हो गई, क्लियर। तो इस तरह से किसी भी मल्टी डायमेंशनल टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनको डिफाइन करने का जो तरीका होता है, डेफिनेशन होती है, जैसे मान लीजिए टू डायमेंशनल टेबल है तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लोट, फ्लोट तो डेटा टाइप हो गया, एरे का नाम हो गया टेबल, और हमने कहा इसमें 50 रो और 50 ही कॉलम, ये तरीका हो गया टेबल को डिफाइन करने का टू डायमेंशनल एरे को। मान लीजिए करेक्टर टाइप डाटा है तो हमने इसमें लिखा करेक्टर, फिर हमने इसमें लिखा एरे का नाम लिख दिया पेज, अब इसमें हमने कहा 24 रो और सपोज कीजिए 80 कॉलम्स, तो ये भी आपकी टू डायमेंशनल एरे हो गई। फिर हमने कहा कि मान लीजिए थ्री डायमेंशनल एरे है तो हमने स्टोरेज क्लास डिफाइन किया स्टैटिक, उसके बाद हमने कहा डाटा टाइप में लिख दिया डबल, एरे का नाम रखा हमने रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स, और इसमें जितने भी आपके ये 100 रिकॉर्ड हो गए आपके, और हर रिकॉर्ड में से 66 रोज और 255 कॉलम। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके हैं किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे को डिफाइन करने का, क्लियर। अब इसमें बात आती है कि जब हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं, इसमें कुछ हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ए केयर मस्ट बी गिवन टू द ऑर्डर इन विच इनिशियल वैल्यूज आर असाइन टू मल्टी डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स। अच्छा, जब भी आप इनिशियलाइजेशन आप करेंगे जब मल्टी डायमेंशनल एरे का, तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक्सटर्नल और स्टैटिक एरे, एक्सटर्नल एंड स्टैटिक एरेज, इन्हीं को हम केवल इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन केवल इन्हीं में अलाउ होता है। अब इसमें क्या होता है कि द रूल इज दैट द लास्ट मतलब राइट मोस्ट सब्सक्रिप्ट इंक्रीजेज मोस्ट रैपिडली एंड द लेफ्ट मोस्ट सब्सक्रिप्ट इंक्रीजेज लीस्ट रैपिडली, हेंस द एलिमेंट्स ऑफ ए टू डायमेंशनल एरे विल बी असाइंड बाई रोज, द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो विल बी असाइंड, देन द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो एंड सो ऑन। तो मतलब जब इसमें आप इनिशियलाइज करेंगे तो इसमें राइट मोस्ट जो सब्सक्रिप्ट होगा वो सबसे तेजी से चेंज होगा, और जो लेफ्ट मोस्ट होगा वो सबसे धीरे से चेंज होगा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमने एक टू डायमेंशनल एरे डिफाइन किया इस तरह से, हमने लिखा इंटीजर, एरे का नाम रखा हमने वैल्यूज, और इसमें हमने कहा साहब तीन रो और चार कॉलम है इस तरह, और वैल्यूज हमने इसको ऐसे दे दिया 1 2 3, ठीक है, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे हमने इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया। तो इस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज का मतलब करने का मतलब ये हुआ कि नोट दैट द वैल्यूज कैन बी थॉट ऑफ एज ए टेबल ऑफ 3 रो एंड 4 कॉलम। तो ये जो वैल्यूज है, जो एरे है, ये 3 रो और 4 कॉलम की टेबल हो गई,
जिसमें फोर एलिमेंट्स पर रो हुए। सिंस द इनिशियल वैल्यूज आर असाइंड बाई रोज द रिजल्ट ऑफ दिस इनिशियल, अब मान लीजिए एक्स को आप 3/4 की अगर आप टेबल मान लेंगे, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये चार कॉलम हो गए और तीन रोज हो गई, 1, 2, 3। और जब वैल्यू आप असाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि पहले 3 रो और 4 कॉलम, तो पहले आप 4 कॉलम भरिए इससे पहली रो को, तो 1, 2, 3, 4। फिर अगली रो में आ जाइए तो 5, 6, 7, 8। फिर आप अगली रो में आ जाइए तो फिर 9, 10, 11, 12। तो इस तरह से वैल्यू इनिशलाइज होगी टू डायमेंशनल एरे में। अब इसमें जो सबस्क्रिप्ट की जो रेंज होती है, जो 3 रो और 4 कॉलम है, लेकिन इनकी जो नंबरिंग होगी वो ये कहलाएगी, ये रो 0, 1, 2, ऐसे ये कॉलम कहलाएगा 0, 1, 2, 3। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सबस्क्रिप्ट की रेंज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसमें 0 से 2 तक और इसमें 0 से 3 तक। अब इसमें जो नेचुरल ऑर्डर होता है, द नेचुरल ऑर्डर इन विच द इनिशियल वैल्यूज आर असाइंड कैन बी अल्टर्ड बाय फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ इनिशियल वैल्यूज एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, ठीक है। तो आप ऑर्डर को इसको जो है चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इनिशियल वैल्यूज को आपको ब्रेसेस में असाइन करना होगा। द वैल्यूज विद इन ईच इनर मोस्ट पेयर ऑफ ब्रेसेस विल बी असाइंड टू दोज एरे एलिमेंट्स हुज लास्ट सबस्क्रिप्ट चेंजेस मोर रैपिडली। तो इन ए टू डायमेंशनल एरे, फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यूज विद इन एन इनर पेयर ऑफ ब्रेसेस विल बी असाइंड टू द एलिमेंट ऑफ ए रो सिंस द सेकेंड सबस्क्रिप्ट इंक्रीजेस मोस्ट रैपिडली, ठीक है, क्योंकि ये वाला मोस्ट रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो आप इसको कॉलम में कर देंगे। इफ देर आर टू फ्यू वैल्यूज विद इन ए पेयर ऑफ ब्रेसेस द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दैट रो विल बी असाइंड जीरोज। तो अब किसी भी पेयर ऑफ एसेज में मान लीजिए वैल्यूज कम है, तो बाकी जो वैल्यू बचेंगी वो 0 असाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी इसी एग्जांपल को अगर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आपने कहा इंटीजर वैल्यूज, फिर आपने क्या किया, ये ब्रैकेट लगाया, अब ये पहले कॉलम के जो वैल्यूज है उसको आपने एक में कर दिया, यानी 1, 2, 3, 4 ये किया आपने, फिर कॉमा लगा दिया, फिर आपने कहा 5, 6, 7, 8 इस तरह कर दिया आपने, फिर आपने कॉमा लगा दिया, आपने लिखा 9, 10, 11, 12 ये लगा के आपने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक। तो इसका मतलब यह कि क्या हुआ कि दिस डेफिनेशन रिजल्ट्स इन द सेम इनिशियल असाइनमेंट एज इन दिस केस, द फोर वैल्यूज इन द फर्स्ट इनर पेयर ऑफ द ब्रेसेज आर असाइन टू द एरे एलिमेंट्स इन फर्स्ट, यानी ये जो पहली 4 वैल्यू है ये पहले रो में असाइन हो जाएगी, फिर दूसरी 4 दूसरे रो में, और फिर तीसरी 4 तीसरे रो में। तो इसको इस तरह से भी आप असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है आपको कि मान लीजिए आपने, सपोज कीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि आपने वैल्यूज को इस तरह असाइन किया है, सपोज कीजिए आपने वैल्यूज को असाइन, एक टू डायमेंशनल एरे है और उसमें आपने वैल्यूज को असाइन किया इस तरह, आपने लिखा इंटीजर वैल्यूज और यहाँ आपने लिखा 3 रो और 4 कॉलम, ठीक है, और वैल्यू जो आपने असाइन की है वो इस तरह की है, से यहाँ पे आपने लिखा 1, 2, 3, फिर आपने लिखा 4, 5, 6, फिर आपने लिखा 7, 8, 9 और यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। ये अब इसमें क्या होगा कि देखिए 0, 0 वैल्यू तो ये हो गई, 0, 1 ये हो गई, 0, 2 ये हो गई और 0, 3 जो है, अब देखिए यहाँ पे ये 3/4 तो कॉलम में, यानी अगर हम टेबल की बात करें तो ये 3 रो तो ठीक है, ये 3 रो और 4 कॉलम की टेबल हुई, है ना, इस तरह,
अब इस रो मान लीजिए ये 0 1 2 और कॉलम 0 1 2 3। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अब जब आप पहला ब्रेसेस उठाएंगे तो मान लीजिए आपने 1 2 3 दे दिया, अब चौथा एलिमेंट दिया ही नहीं हुआ है तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा, फिर यहाँ 4 5 6 फिर ये 0 ले लेगा, और फिर थर्ड रो में 7 8 9 फिर ये 0 ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू आपने नहीं इनिशियलाइज की है, लास्ट एलिमेंट जो है हर रो का, वो वैल्यू 0 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसी एग्जांपल को आप दूसरे ढंग से आप देखिए, ये तो आपने ब्रेसेस लगा के दिया है, मान लीजिए इसी एग्जांपल को अगर आप इस तरह देते हैं, इंटीजर वैल्यूज आपने लिखा 3 4 और आपने वैल्यू जो असाइन की है वो आपने अंदर इनर ब्रेसेस नहीं आपने दिया, आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह इनिशियलाइज कर दिया है। तो जब आप इस तरह इनिशियलाइज करेंगे तो क्या होगा कि जो असाइनमेंट वो इस तरह नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि आप ये 3x4 की टेबल बनाइए, ऐसे 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, ये हो गया आपका 0 1 2, ये हो गया 0 1 2 3। अब ये पहले 4 एलिमेंट्स ये पहले रो में ले लेगा, तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 और बाकी जो वैल्यूज बचेंगी वो 0 असाइन हो जाएंगी इस तरह से। तो ये डिफरेंस है ब्रेसेस लगा के डिक्लेयर करने में, इनिशियलाइज करने में और विदाउट ब्रेसेस इनिशियलाइज करने में, ये डिफरेंस आएगा। क्लियर? अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब मान लीजिए एक एग्जांपल और आप ले लीजिए कि कहाँ पे अगर गड़बड़ी इनिशियलाइजेशन में आप गलती करेंगे तो वो कंपाइलेशन एरर भी दिखा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल आपने इनिशियलाइज किया इस तरह, आपने कहा इंटीजर वैल्यूज, आपने कहा 3 रो और 4 कॉलम। ठीक है, और जो वैल्यू इनिशियलाइज की आपने वो आपने इस तरह अलॉट किया 1 2 3 4, ये तो ठीक है, फिर आपने कहा 5 6 7 8 यहाँ भी ठीक है, फिर आपने इसके बाद 9 10 11 12 13 और ये आपने यहाँ पे क्लोज किया। तो देखिए यहाँ पे 4 ही कॉलम है ना, और इसमें आपने एक रो में कितने वैल्यू असाइन की हुई है, 5 वैल्यू असाइन की हुई है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये देगा कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन के टाइम ही इसमें एरर दिखा देगा। ठीक, सिंस द नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच इनर पेयर ऑफ ब्रेसेस एक्सीड्स द डिफाइंड एरे साइज, एरे साइज आपने डिफाइन किया है 4 ही है कॉलम में और यहाँ पे आपने 5 एलिमेंट दे दिए, इसलिए वो कंपाइलेशन एरर दे देगा। तो इस तरह से किसी भी एरे को, 2-dimensional या 3-dimensional एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, और ये 2-dimensional एरे का हमने आज डिस्कस किया है, कमिंग वीडियो में 3-dimensional एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर उस पर बेस्ड हम लोग जो है प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो आई होप कि मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।